दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमजीत कौर और आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूं एक ऐसा फेस पैक जो राखी स्पेशल है। जी दोस्तों, राखी आ गई है और उसके बाद भी त्यौहार शुरू हो गए हैं, फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं और फेस्टिवल में राखी पे हर कोई चाहता है अपनी स्किन को गोरा, ग्लोइंग और सुंदर बनाना, अपनी स्किन को एक अच्छा सा लुक देना। तो उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हमारे फेस पे होती हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रहण हमारे फेस पे लगा देती हैं, जिसे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का सलूशन आपको मैं दूंगी। वैसे इसके रिलेटेड मैंने बहुत से सलूशन आप लोगों को दिए हैं, आई एम श्योर आपको वो भी अच्छे लगे हैं। और लेकिन जो आज मैं आपको दे रही हूँ, ये एक ऐसा फ्रूट फेस पैक है जिससे आपकी पिगमेंटेशन, टैन, एक्ने, पिंपल्स और साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपका चेहरा बिल्कुल ही क्लीन है, सॉफ्ट है, आप गोरे हैं, लेकिन जो आपके चेहरे पर आ जाते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, ये आपके नोज पे बहुत गंदे भद्दे लगते हैं जो आपकी स्किन को खराब कर देते हैं, तो हमने इन्हें भी निकालना है। तो दोस्तों, सभी प्रॉब्लम का जो सलूशन है इस फेस पैक में है और इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। तो उन इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वो है 2 इंच पाइनएप्पल। तो दोस्तों, पाइनएप्पल जो है बहुत ही बढ़िया होता है स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए। अगर आपकी स्किन है ड्राई, तो ड्राई स्किन के लिए पाइनएप्पल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट है, कूलिंग इफेक्ट इसका पड़ता है और साथ साथ ये स्किन को काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी करता है, हेल्दी भी बनाता है। तो दोस्तों, एक नेचुरल रेमेडी है तो पाइनएप्पल आप 2 इंच लीजिए, इसे अच्छी तरह से ग्राइंडर में डाल के इसका एक पेस्ट बना लीजिए और अब इसके अंदर आप 1 चम्मच एलमंड पाउडर यूज़ करें, बादाम का पाउडर, जो स्किन को प्रॉपरली डस्ट को ख़त्म करता है, डल स्किन है आपकी उसे भी रिपेयर करता है, रिकवर करता है और जो पोल्यूशन का डस्ट हमारे फेस पे जम जाता है उसे भी क्लीन करने में, साफ करने में मदद करता है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लेमन जूस। दोस्तों, लेमन जूस जो है ये स्किन को एक वाइटिश आपकी स्किन पे छोड़ता है, स्किन को 1 से 2 लेयर तक लाइटन करता है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी गोरी हो जाती है, 1 से 2 लेयर तक आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहती है। और क्योंकि आपको सभी को पता है कि लेमन में ऐसी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो सभी को पता है, जो स्किन को हेल्दी भी बनाती हैं और गोरा करने में तो डेफिनेटली हमारी स्किन पर काफ़ी अच्छा फ़र्क डालती हैं। और इसमें अब डालेंगे हम राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। राइस फ्लोर जो है दोस्तों, ये स्किन को प्रॉपरली क्लीन करता है और डस्ट को रिमूव करता है, डल स्किन को ठीक करता है और स्पेशली आपके नोज़ पे जो गहरे आपके कील मुहासे हैं, अकड़ के बैठे हुए हैं, उन्हें डेफिनेटली क्लीन करता है, उन्हें ये निकाल देता है, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट स्मूथ रहती है। क्योंकि जो हमारा नोज़ है ये हमेशा हाईलाइट रहना चाहिए, जो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन दूसरे लोगों पे डालता है और हमारे फेस पे जो नोज़ है इसका गोरा होना, क्लीन होना और साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप राइस फ्लोर की मदद से इसे प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं, ये हमेशा हाईलाइट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो राइस फ्लोर, इस चीज़ का जो राइस फ्लोर है ये काम करेगा। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है और इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल भी डालेंगे। गुलाब जल की मदद से इसका हमने बनाना है एक पेस्ट और पेस्ट को अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए और कीजिए स्क्रबिंग अच्छी तरह से। 5 मिनट तक आपने स्क्रबिंग करनी है, नोज एरिया पे अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है ताकि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स निकल सकें। चिक एरिया पे आपने स्क्रबिंग करनी है ताकि जो डेड स्किन है वो रिपेयर हो सके और अपने माउथ एरिया के आसपास भी करें, जो पिगमेंटेशन आपके माउथ एरिया के आसपास हो जाता है वो भी क्लीन हो जाएगा और अपने फोरहेड पे करें ताकि वो भी हाईलाइट रहे। और दोस्तों, 5 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 20 मिनट इस स्क्रबिंग को अपने चेहरे पे, इस फेस पैक को लगा रहने दीजिए और 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से प्रॉपरली जेंटली क्लीन कर लेना है। तो दोस्तों, क्लीन करने के बाद आपका चेहरा देखिएगा कितना सॉफ्ट, स्मूथ और क्लीन हो गया है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम बिल्कुल निकल जाएगा। आप इस फेस पैक को राखी आने से पहले 1 दिन स्किप करके यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके चेहरे पर पड़ेगा। और दोस्तों, इसके बाद आपने अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज कर लेना है ताकि स्किन काफ़ी सॉफ्ट, स्मूथ रहे।
तो आई एम श्योर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो, मेरा ये फेस पैक बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है आप मेरी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बॉक्स है उस पर क्लिक करें, और जो बेल आइकन है उस पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन जो है वीडियो का वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय।